कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में बाजारों की चाल कैसी देखने को मिल रही है, कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी है, उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहां पर नॉन एग्री कम्युनिटीज के बाजार से, सोने और चांदी से। तो शाम में देख रहे हैं कि गोल्ड इस वक्त $1998 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, $2 की गिरावट है। वहीं सिल्वर भी $26 पर आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में कल वाले ही लेवल्स आज भी देखने को मिल रहे हैं, $2000 के पास है, लेकिन आज लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो क्या अब सोना यहां से अपनी चाल बदलेगा और नीचे की ओर जाएगा, या फिर लगातार तेजी की ओर बना रहेगा, जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी आपका। जी अखिलेश जी। अनुज जी, देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में आज हल्की सी नरमी आते हुए देखी है, आपको क्या लगता है, क्या हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ये जो नरमी आई है आने वाले कारोबारी सप्ताह में और एक्सटेंड होगी, या फिर सोने चांदी यहां से सुधर जाएंगे और फिर से तेजी की ओर चले जाएंगे? अखिलेश जी देखिए, अगर हम युद्ध की तरफ जाएं तो वहां पर अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है जिसको हम ये कह सके कि यहाँ पर मार्केट स्टेबल हो सकती है। अभी हमें लग रहा है कि मार्केट जो है फिलहाल थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक कोई टॉक नहीं आई, हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगी, मगर अभी भी इम्पैक्ट है जो इश्यूज है, हमें लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो आगे अभी पॉजिटिव ही दिखाई देगा। जी, इसी के साथ अनुज जी बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल का बाजार थोड़ा फिसला है। यूरोप ने बोला है कि यूरोप रशिया से अपनी ऑयल और गैस की जो सप्लाई है वो चालू रखेगा, ऐसे में आपको क्या लगता है कच्चे तेल का बाजार अब यहाँ से कुछ थोड़ा ठंडा होता हुआ नजर आ सकता है क्या? देखिए, कच्चे तेल के बाजार में हालांकि थोड़ा बहुत चलिंग आ सकता है, मगर हमें लगता है कि यहाँ पर क्योंकि अभी भी आप देखेंगे इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है और सप्लाई काफी डिस्टर्ब है, तो हमें लगता है नहीं कि ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि देखने को मिल सकती है। जी अनुजी, कच्चे तेल में आगे अब क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? ये कच्चे तेल में हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, नीचे में करीबन 8000 और ऊपर में करीबन 8700। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो नीचे $95 से लेकर $120, ये एक टाइट रेंज रहेगा जिसमें मार्केट मूव कर सकता है। जी, इसके साथ अनुज जी बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। जब से निकल का कारोबार निलंबित हुआ था LME पर, तब से हमने सारे बेस मेटल्स पर कुछ दबाव बनता हुआ देखा है, आपको क्या लगता है क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी बेस मेटल्स पर दबाव रहेगा या फिर बेस मेटल्स में तेजी आएगी? देखिए, बेस मेटल भी यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेंड कर रहे हैं, हालांकि पिछले दो दिनों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। जी, हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। कल भी हमने देखा था मार्केट में एक लोअर लेवल आने के बाद बाउंस बैक हुआ था, तो बेस मेटल यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल जो है बेस मेटल काफी स्ट्रॉन्ग है, डिमांड काफी ज्यादा है, सप्लाई काफी लोअर है, हमें लगता है कि यहाँ बेस मेटल में आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। अगर हम कॉपर की बात करें तो ऊपर हमें लगता है 820-822 तक के लेवल दोबारा देखने को मिलेगा। जी अनुज जी, आने टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे नॉन एग्री में, जिनमें आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए, टॉपिक में मुझे लगता है कि गोल्ड तो रहेगा ही, गोल्ड हमें लगता है खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में हमारा मानना है कि 5400 से लेकर 5500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ में हमें लगता है कि बेस मेटल में भी खरीदारी का ट्रेड कॉपर में लिया जा सकता है, ऊपर में 825-830 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की। जानेंगे अनुज जी से कि एग्री कम्युनिटीज में कितनी अपॉर्चुनिटीज है लाभ कमाने की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स से। अनुज जी, देख रहे हैं कि ग्वार में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कुछ हल्की बढ़त बनती नजर आई है। ग्वार गम 11200 पर है और ग्वार सीड 6100 के ऊपर, आपको क्या लगता है क्या अब ग्वार गम और ग्वार सीड यहाँ से पॉजिटिव रहने वाले हैं? देखिए, ग्वार सीड ग्वार गम में हमने डिमांड फ्रेश आती हुई देखी है, मंडियों के अंदर आवक भी कम है, तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि तेजी का जो सेंटीमेंट है वो बना रहेगा। जी, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हालांकि मार्च कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी में, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर तेजी रहेगी, हमें लगता है कि ऊपर में भाव
ऊपर में 6300 से लेकर 6400 तक के लेवल क्वार चीट में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली क्वार में कम के अंदर हमें लगता है 11800 से लेकर 12000 तक के लेवल आ सकते हैं, तो सेंटीमेंट थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं जहां हमें लगता है खरीदारी जो है लौट कर आ सकती है। जी अनुज जी, बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि आज भी सुस्ती के साथ ही कारोबार है। आपको क्या लगता है ये जो बिनौला खल में एक सीमित दायरा ही कब तक और चलता रहेगा ऐसी, और कब अच्छी तेजी आएगी? देखिए बिनौला खल में हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जो अराइवल है वो भी यहाँ पर बढ़ी है कंटिन्यूअसली एक, और जो डिमांड है थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि बिनौला खल में थोड़ा सेलिंग के साथ ट्रेड हो सकता है, नीचे भाव जल्दी ही 3100 के लेवल को छू सकते हैं, तो बिकवाली के साथ हमें लगता है कि बिनौला खल में ट्रेड लिया जा सकता है। जी अनुज जी, देख रहे हैं कैसे सीड की बात करें, तो कैसे सीड में भी 7300 के ऊपर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है अप्रैल वायदा। आपको क्या लगता है, हम हमेशा देखते हैं कि मार्च में कैसर का अराइवल प्रेशर रहता है, तो क्या अराइवल प्रेशर की वजह से कैसर का बाजार कुछ नीचे जा सकता है, या फिर डिमांड इतनी मजबूत रहेगी जिसकी वजह से जो कैसर की कीमतें हैं वो ऊपर जाएंगी? देखिए कैस्टर की अगर बात करें तो इसकी आगे अराइवल भी स्टार्ट होगी, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाव थोड़े से यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं, मगर हायर लेवल पे यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिल रहा है। करीबन अगर हम पिछले 3-4 दिनों से देखें तो 7300 के आसपास ही भाव मूव कर रहे हैं। हमें लगता है कि थोड़ा सेंटिमेंट यहाँ पर अभी थोड़ा सा वीकनेस का हो सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, खरीदारी इन लेवल पर सुरक्षित नहीं है। भाव नीचे 7600 के आसपास आए तो ही खरीदारी करें। हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, मसालों पर आपकी क्या राय रहेगी? मसालों में देख रहे हैं कि अब एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। देखिए मसालों में भी ट्रेंड पॉजिटिव है, हालांकि थोड़ा सीमित दायरा है, बट हमें लगता है कि मसालों के अंदर बाय एंड डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जीरा में अगेन एक ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिखाई, हमें लगता है कि ऊपर में जीरा 22000 के लेवल को छू सकता है, टर्मरिक 9200 और कोरिएंडर करीबन 11300 के लेवल को छू सकते हैं, तो यहाँ पर बाय एंड डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी को यूज किया जा सकता है। जी अनु जी, M6 कॉटन की बात की जाए, तो क्या M6 कॉटन में अभी भी कुछ तेजी बची हुई है? क्या M6 कॉटन में फिर से तेजी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम लेवल्स फिर से 37 के अबव देख रहे हैं अब? डेफिनेटली हमें लगता है कि M6 कॉटन जो है ट्रेंड में चल रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड M6 कॉटन में रहेगा। ऊपर लेवल वाइज अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि कॉटन के भाव ऊपर में 38400 तक आ सकते हैं, मगर वहां पर हमें लगता है कि एक डिमांड जो है कमजोर होती हुई दिखाई देगी, तो अगेन वहां पर सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा, पर फिलहाल शॉर्ट टर्म में हमें लगता है 200-300 रुपए भाव बढ़ सकता है। जी अनुज जी, सोयाबीन में देख रहे हैं कि सोयाबीन ने फिर से 7900 का लेवल टच कर लिया है, लेकिन 8000 से अभी भी दूर है, और US सोयाबीन वायदा हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी की तरफ है। उधर से सोपा ने भी आयात का अनुमान घटा दिया है सोयाबीन का, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन बहुत ही जल्द 8000 का भी लेवल तोड़ देगी? देखिए सोयाबीन अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल ट्रेड दिखने को मिल रहा है, और यहाँ पर हमें लगता है कि भाव एक रेंज में ही रहेंगे। हालांकि जो 8000 के आसपास के लेवल देखे हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि सरसों के अराइवल मंडी में बनी हुई है, हमें लगता है कि उससे भावों पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट साथ साथ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भाव ऊपर है, तो हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, तो फिलहाल एक रेंज हमें लगता है कि रहेगी, मगर हायर लेवल पर डिमांड कम होने की वजह से भाव एक नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमें लगता है कि जिन्हें खरीदारी करी है उनको बिकवाली कर लेनी चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, भाव एक बार 7500 तक आ सकते हैं। जी अनुज जी, बात करें यहाँ से अगर मेंथा की, तो मेंथा में आपको क्या लगता है? देखिए मेंथा के अंदर एक हमने अच्छी खासी ब्रेकआउट आते हुए देखा है, हमें लगता है कि मेंथा के अंदर यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, ऊपर में हमें लगता है 1100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी अनुज जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे जो अगले कारोबारी सप्ताह भी अच्छा मुनाफा कमाकर चल सकते हैं? देखिए ग्वार के अंदर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर में लगता है कि 6400 तक के लेवल ग्वार में देखने को मिल सकते हैं, साथ में हमें लगता है कि खल के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे 3100 रुपए तक के खल में लेवल देखने को मिल सकते हैं, और जीरा में खरीदारी कर सकते हैं, जीरा में एक्सपेक्टेड है ऊपर में 22000 तक के लेवल जीरा में भी देखे जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है, और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है, और कोरोना का भी डर है, ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिग ब्लिस है आपके साथ, अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।